बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री के शहर में मेट्रो ट्रेन चलाने को लेकर अधिकारियों ने मंथन शुरू कर दिया है और इसी को लेकर शुक्रवार को प्रमुख सचिव दीपक कुमार भी गोरखपुर शहर में चलने वाली मेट्रो रूट का निरीक्षण करने के बाद सर्किट हाउस में GDA और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रमुख सचिव आवास दीपक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में GDA अधिकारियों के साथ गोरखपुर शहर में चलने वाली मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के रूट मैप और GDA द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का समीक्षा बैठक किया गया। इस मौके पर GDA उपाध्यक्ष ए दिनेश कुमार ने बताया कि लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन और प्रमुख सचिव द्वारा शहर में दो रूटों पर मेट्रो चलाए जाने का निरीक्षण किया गया। श्याम नगर से सुबह बाजार तक तथा गुलहरिया से कचहरी तक मेट्रो चलाने का DPR तैयार किया जाएगा। इस मौके पर प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, GDA VCA दिनेश कुमार सहित GDA के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए GDA उपाध्यक्ष ए दिनेश कुमार ने कहा, गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में इनका संबंधित लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन इनको सर्वे कर रहे, DPR वगैरह तैयार हो गया। अब इसको मौके पे क्या स्थिति उसके देखने के लिए आया, उसी पे रूट ओरिएंटेशन का पूरा विवरण संबंधित PWD का ऑफिशियल सहित इनको आज भ्रमण किया। हमारा प्रमुख सचिव साहब उसी पे पूरा रूट भ्रमण किया, बाद में आगे कार्रवाई के लिए जाएंगे। श्याम नगर से शोभा बाजार तक, गुलरिया से कचहरी तक दो कॉरिडार है, इन दोनों का किया।